हेलो बिनानीशियंस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसा कि आप लोगों को पता है, 8th of June को मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने कहा था कि हम लोग आज ही अपने 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लेंगे, एंड ऑन 30th of June वी हैव कंप्लीटेड अवर 250 सब्सक्राइबर्स। सो आई वांट टू से यू वेरी वेरी थैंक यू। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये इमेज दिखाना चाहता हूँ जो बनाई है हमारे वरुण गेमिंग लाइव ने। इन्होंने ये इमेज हमारे अवतार की बनाई है और उसको डिस्कॉर्ड सर्वर पर शेयर कराया है। तो अगर आप लोग भी डिस्कॉर्ड सर्वर पर अभी तक नहीं ज्वाइन है तो उसको ज्वाइन करो, एंड बस ज्वाइन करो। सो आज मैं लेकर आ चुका हूँ मेरा सेकेंड गेम जिसका नाम है हेलीफ्लाई। तो आज की ये पूरी वीडियो बेस्ड है मेरे एक महीने के एक्सपीरियंस पे। मैंने इसे एक महीने में क्या करा है एंड क्या चीज़ें सीखी हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो ये बात है 7th of May की, जब मैंने अपना पहला गेम पब्लिकली रिलीज करा था जिसका नाम था MMC टैपी। उसका रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा था एंड उस रिस्पॉन्स से उभरने में मेरे को 3 दिन लग गए। एंड 3 दिन के बाद मैंने 10th of May को एक नए आइडिया के बारे में सोचा जिसका नाम था मिनी मलेशिया स्टोरी मोड। एंड आई हैव वर्क 1 month ऑन दैट गेम, बट सम इंसिडेंट्स हैपेंड विद मी, सो मैं आप लोगों को वही इंसिडेंट्स आज बताने वाला हूँ। मिनी मलेशिया स्टोरी मोड पर मैंने काफ़ी काम करा। मैंने फर्स्ट लेवल को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया था, लेकिन उसके बाद एक प्रॉब्लम होने लगी और वो प्रॉब्लम ये थी कि मेरा लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया था जिसकी वजह से मैं उस पर आगे काम नहीं कर पा रहा था। दरअसल प्रॉब्लम ये थी कि मेरा लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा लो एंड है जिसकी वजह से जो गेम के ग्राफिक्स थे वो उसको लोड नहीं कर पा रहे थे, एंड इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू वर्क ऑन अ हैंगी लैपटॉप एंड आई वॉज ऑलमोस्ट फेड अप विद दैट एंड देन आई डिसाइडेड टू क्विट दैट गेम। एज यू ऑल नो, मैंने एक ट्रेलर भी अपलोड करा था एंड इट वॉज इनसेन, द स्टोरी इज इनसेन, बट इफ माई लैपटॉप इज नॉट सपोर्टिंग इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कम्प्लीट दैट गेम एंड यू गाइज कांट ऑल्सो इन्जॉय। अब जब ये इंसिडेंट हुआ मेरे साथ तो इसके बाद मेरे को एक जिम्मेदारी बढ़ गई कि मेरे को लो एंड में कम ग्राफिक्स के साथ एक बढ़िया गेम बनाना है। एंड आई वॉज थिंकिंग अबाउट लाइक वॉट टू डू एंड विच गेम, आई वॉज थिंकिंग अबाउट द गेम आइडिया एंड सडनली मेरे दिमाग में हिट होता है कि डूडल आर्मी 1 जो कि एप्सोनिक्स का पहला गेम है, उसमें जब मैंने गेम प्ले देखा तो उसमें एक हेलीकॉप्टर था जो कि रन कर रहा था एंड लोगों को मार रहा था। एंड सडनली आई गॉट एन आइडिया एंड इन दिस वे मैंने हेलीफ्लाई के आइडिया को इम्पोज करा। सो अब मैं आप लोगों को एक इमेज दिखाता हूँ कि मैंने उसको रफ में किस तरह से बनाया था। सॉरी। तो सबसे पहला काम था मेरे को एक अट्रैक्टिव सा मेन्यू बनाना जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो सके, एंड देन उसके बाद मैंने गेम प्ले पर काम करा। गेम प्ले वॉज लाइक दैट, द आइडिया इज दैट अ हेलीकॉप्टर इज कीप ऑन शूटिंग एंड सम एनिमीज आर कमिंग एंड आई हैव टू मीन्स डिफेंड हिम एंड अटैक ऑल्सो साइड बाय साइड। एंड इन दिस गेम आई हैव यूज्ड अ कॉन्सेप्ट ऑफ जॉयस्टिक दैट अवर मिली मलेशिया क्लासिक इज ऑल्सो यूजिंग। एंड जॉयस्टिक का आइडिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा बिकॉज आई वॉज ऑल्सो वॉन्टेड टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट एंड विच आई यूज इन द हेलीफ्लाई। एंड हमारा हेलीकॉप्टर जब भी किसी एनिमी के हेलीकॉप्टर या फिर प्लेन से टकराता है तो वो आउट हो जाता है, या फिर जो हमारे शोल्जर्स हैं जो कि हमारा मैकाडूडल है, अगर उसकी बुलेट्स फायर हो जाती हैं तो भी ये डाई हो जाता है। एंड इन केस यू कैन मूव दिस एंड एम आप कर सकते हो एंड बुलेट्स फायर कर सकते हो सामने की तरफ एंड यू कैन ऑल्सो किल दैट मैकाडूडल। एंड इफ यू शूट ऑन द पैराशूट द मैकाडूडल विल फ्लाई, मीन्स द ग्रेविटी वर्क्स। सॉरी, एक ब्लूपर है, बताना भूल गया एंड हटाना भी भूल गया। एंड एक्चुअली द प्लेन वॉज फॉलोइंग द हेलीकॉप्टर, दे वर नॉट एबल टू शूटिंग। सो गेम बनाते समय ऐसे एरर्स होते रहते हैं आप लोग जैसा कि देख सकते हो। सो अब मैं आप लोगों को कोडिंग या मैथमेटिक्स के पार्ट पर नहीं ले जाऊंगा बिकॉज इट वॉज ऑल बोरिंग फॉर यू एंड यू गाइज कांट इन्जॉय दैट। सो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ हमारे इस गेम की वर्किंग किस तरह से होती है। तो ये है हमारे गेम का कुछ इंटरफेस। यहाँ पर हमारे पास इन टोटल 7 लेयर्स हैं जिसमें से 2 तो हमारी मेन्यू की और गेम ओवर की लेयर्स हैं। एंड अब मैं आप लोगों को बताता हूँ हमारा बैकग्राउंड कभी एंड क्यों नहीं होता है। दरअसल जो हमारा बैकग्राउंड है उसमें हमारे पास 2 तरह की इमेजेस हैं, एक पहली एंड देन उसके एक बाद में। मैं आपको छोटा करके दिखाता हूँ। एंड जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास 2 तरह के बैकग्राउंड्स हैं। जब हमारा अगला वाला बैकग्राउंड यानी ये वाला बैकग्राउंड पीछे की तरफ आ जाता है तो हमारा जो पीछे वाला बैकग्राउंड है वो अपने आप उस तरफ चला जाता है। तो ये कोड है जो कि मैंने लगाया है एंड इट्स नॉट टोटली वर्किंग एंड इट इज़ क्रिएटिंग अ इनफाइनाइट टाइम लूप। एंड उसके बाद ये जो आप रेड कलर के और ब्लैक कलर के छोटे से डॉट्स देख पा रहे हो एमिंग जॉयस्टिक के ऊपर, यही हमारे हैं जो कि प्लेन को स्पॉन करते हैं एंड एज अ एनिमी प्लेन जनरेटर काम करते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारे कोडिंग सेक्शन की तरफ जिसके ऊपर पूरा हमारा ये जो गेम है ये वर्क करता है। मैं आप लोगों को ज़्यादा फिजिक्स और मैथमेटिक्स के बारे में नहीं बताऊँगा ना, वीडियो छोड़ के चले जाओगे, लेकिन हाँ आप लोगों को एक एग्जाम्पल एक ओवरव्यू ऐसा दे देता हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि ये किस तरह से वर्क करता है। सो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारी जो बुलेट्स फायर है वो किस तरह से वर्क करती है। सबसे पहले हमारे पास जो जॉयस्टिक है वो जब ड्रैग होगी उसके बाद अगर वो 5 पिक्सल से ज़्यादा ड्रैग होती है तो हमारी जो
बुलेट्स हैं वो स्पॉन होंगी, एंड उसमें भी एक कंडीशन है, बुलेट्स अगर ज़ीरो नहीं होती हैं तभी बुलेट्स स्पॉन होंगी, एंड बुलेट स्पॉनिंग रेट 0.2 सेकेंड्स का होगा, मींस 1 सेकेंड में 5 बुलेट्स। सो ये कुछ इस तरह से हमारा जो कोड है वो वर्क करता है। आई होप सो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। लास्ट गेम में आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि मैं आप लोगों को बताऊँ ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। सो आई हैव गिवन एन आइडिया इन डिटेल, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन गो एंड चेक आउट द यूट्यूब चैनल्स विच आर परफेक्ट बेटर देन मी। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इस गेम के फंक्शंस। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास 50 बुलेट्स की लिमिट होती है, जिसमें अगर आप लोग एनिमी के हेलीकॉप्टर या फिर प्लेन को हिट करते हो तो आपको 3 बुलेट्स का एड मिलता है, एंड उसके बाद अगर आपकी बुलेट्स कभी जीरो हो जाती है तब आपके पास एक चांस होता है। आपके पास 10 सेकेंड्स आपको डिफेंड करते रहना पड़ेगा, एंड 10 सेकेंड्स बाद आपको 5 बुलेट्स फ्री की मिल जाएंगी। एंड इन दिस वे दिस गेम वर्क्स, एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू माई हाई स्कोर। एंड अगर आप लोगों को इस गेम को खेलना है या फिर डाउनलोड करना है तो आप लोग इस गेम को डाउनलोड कर सकते हो। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाओ, हमारे ब्लॉग में जाकर वहाँ पर डाउनलोड लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। 1 टैप डाउनलोड है, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, एंड उसके बाद सिंपली आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना है एंड प्ले। एंड डोंट फॉरगेट टू गिव मी फीडबैक अबाउट द इम्प्रूवमेंट्स एंड अबाउट द न्यू आइडियाज़ यू वॉन्ट टू सीन दैट आई मेक गेम्स ऑन इट। सो नाउ आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं इतने दिन से एबसेंट क्यों था। सो मैं मिलूंगा आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑसम गाइस। Bye-bye. With the